मनाली में एक स्लॉटर हाउस नाम की जगह है जहाँ हमारे पास बोल्बो पार्किंग ग्राउंड भी उसको कहा जाता है। वहाँ एक हम लोग बस स्टैंड बना रहे हैं जिसका अराउंड 20 से 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी हाल ही में हमने उसका जो फ्रंट फेसिंग सेगमेंट है जिसको फेज़ वन का कहते हैं, जहाँ प्राइवेट बोल्बो पार्क होती हैं, उस पोर्शन में हमने फ्लड प्रोटेक्शन वर्क का थोड़ा अभी 30% काम किया था, जिसकी वजह से फ्लड आने के बावजूद भी हमारे एरिए पूरा सेफ रहा, जो गाड़ियाँ वहाँ पार्क थी सेफ रही। वो लगभग 20 से 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक्सपेक्टेड जो उसके फेज़ वन को कम्प्लीशन की डेट है वो इस साल के एंड में या मार्च तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेज़ वन हम कम्प्लीट करेंगे। जहाँ तक इसकी जो टेक्निक की आधुनिकता की बात है, तो ये इसको हम लोगों ने IIT से, क्योंकि इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसकी BSNL का सिविल बींग है, उन्होंने पूरी टेक्निकल एक्सपर्टीज लाइक IIT से इसका डिज़ाइन बैठ करवाया है और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क भी उन्होंने बैठ करवाया है। तो आधुनिक इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी आधुनिक सुविधाएं मिलें, क्योंकि मनाली बींग ए टूरिस्ट स्पॉट तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये बस स्टैंड बनेगा। इस बस स्टैंड पे लाइक ATM की सुविधा रहेगी, जैसे मेडिकल स्टोर्स उपलब्ध रहेंगे, देन फूड कॉर्नर्स उपलब्ध रहेंगे, जो भी कैफेटेरिया है, जो भी पैसेंजर के एमिनिटीज़ हैं वो उपलब्ध रहेंगी। साथ में हमारे फेज़ जो 2 का पोर्शन है उसमें हमारा चार्जिंग स्टेशन है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी मिनी वर्कशॉप भी डेवलप हो, वो टायर प्लांट भी हो और गाड़ियों का वॉशिंग डग्स भी हो, ताकि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हम कुछ हद तक वहाँ मनाली में कर पाएँ। जब जैसे ही हमारा ये मनाली का प्रोजेक्ट बस स्टैंड का कंप्लीट होगा, तो हमें उम्मीद कर रहे हैं कि मनाली बींग एक टूरिस्ट स्पॉट है और देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं, तो मनाली में जहाँ रुकने का सैलानियों का होता है वो बस स्टैंड ही वहीं पहुँचते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मनाली एक वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड बन रहा है। तो सारी सुविधाएं जो एक बस वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड पे होती हैं लोगों को हम प्रोवाइड करें, इससे ना केवल एक मनाली एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में स्थापित होगा, अपितु बहुत सारे टूरिस्ट हैं इसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि मनाली में उनको एक अच्छी जगह वहाँ रुकने के लिए मिली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ रहेगा, वहाँ जैसे ई बसेस का ऑपरेशन भी बढ़ेगा या ई टैक्सीज का ऑपरेशन भी बढ़ेगा, तो वहाँ चार्जिंग की फैसिलिटीज़ भी रहेगी, बेसिक एमिनिटीज़ सभी तरह की रहेंगी और एक अच्छा हम लोग एक अच्छा बस स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।